पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दे विच एस क्रॉस लॉन्च हो गई है, सारे नूं पता होगा। तो तुम यूट्यूब से बहुत सारिया वीडियो भी लगती है तो चलान च कि लगती है। मोटर कटेन तो गगन चौधरी चैनल पर मैनुअल ट्रांसमिशन का ड्राइविंग एक्सप्रैशन भी उन्होंने शेयर किया, पर उन्होंने फोर स्पीड ऑटोमैटिक जो कि टोर कन्वर्टर के नाल आता वह नहीं किया। असी थानू दसांगे ड्राइविंग एक्सप्रैशन किदा एक टोर कन्वर्टर जो आप एस क्रॉस चलाइए। तो वीडियो देखना तुम सब तो लास्ट तक, तो दसना वीडियो किमें लगी है। जे किसी ने साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया, जो पहली बार आया वो चैनल सबसक्राइब करे तो आप वधिया वीडियो साढ़े तक लैके आ सकन। 1.5 लीटर पेट्रोल की गल की जाए जो कि मरुति ने हमने नवा लॉन्च किया है। ये मरुति की सियाज के आता वा, ब्रीजा के आता, तो आर्टिका के आता, तो एक्सएल 6 के भी आता। उ इंजन हूँ एस क्रॉस के भी आता जो कि लगभग 105 हॉर्स पावर तो 140 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि चलान के ठीक है, डिसेंट है। एस क्रॉस के जो पेट्रोल इंजन नाल ऑटोमैटिक मिलता वो टॉर्क कन्वर्टर है, जो कि सिर्फ 4 स्पीड कन्वर्टर है। जे इतने मरुति सुजुकी सीवीटी ट्रांसमिशन देंदी तो टॉर्क कन्वर्टर भी 6 स्पीड या 5 स्पीड का देंदी तो इस होर वधिया पावर निकल के आ सकती सी। इहदा मतलब ये नहीं इहदे पावर नहीं, पावर है, पर जो 100 से 120 की स्पीड आराम ना अचीव कर लेंदी है। पर जो तो आप ब्रेक लाने 60 की स्पीड पर आ जाते फिर आप गड्डी नूं चक्कण दी कोशिश करते हैं, वो पता होंदा थोड़ी गड्डी उस वेले दबदी है। तो इतने ये फील होंदा कि इहदे विच पैडल शिफ्टर या फिर पंजवां या छेवां गेयर भी होना चाहिए सी। तो गड्डी दे विच पावर तो है पर लीनियर डिलीवरी पावर प्रोड्यूस करती है, कोई इन्नी ज़्यादा नहीं। कई जिदा ड्राइवर इदा के होंगे उन्होंने भजाने से गड्डी बहुत वधिया हो, जिदा पंच हो गड्डी उन्होंने नहीं बनी। हो ये सिर्फ डेली यूज ले जो कि सिटी में ज़्यादा ड्राइव करता वो टॉर्क कन्वर्टर एस क्रॉस ले सकता, डेली यूज ले गड्डी सब तो बेस्ट है। तो ये विजिबिलिटी की गल की जाए विजिबिलिटी यदि सब तो वधिया, तो सामने बोनट भी दिख रहा वा। जेकर थोड़े घर जिदा बजुर्ग लोग आ जो ड्राइव कर सकते वो गड्डी ड्राइव भी कर सकते, क्योंकि यदा बोनट के साफ साफ एचएस भी दिखाई देते, तो गड्डी का बोनट कितने आ। तो ज़्यादा बजुर्ग लोग भी इनू ड्राइव कर सकते, उन्होंने कोई इन्नी मुश्किल नहीं होगी ये गड्डी ड्राइव करने के। ऑटोमैटिक रेशो की गल की जाए जो तुम गड्डी ज़्यादा पावर चाहिए है गड्डी तो ज़्यादा पजानी है तो 5000 या 4000 RPM पर जाके गेयर चेंज करता, जो कि गेयर रेशो पावर कढ़ने के हिसाब से ठीक आ, पर माइलेज भी ड्रॉप होनी है। तो जे इन लाइट फुट चलाओगे तो थानू माइलेज 18 तक दे सकता है, एयर आए माइलेज यदि क्लेम भी की जाती है, पर ये जो CVT होंगे होर भी ज़्यादा माइलेज निखर के आ सकती सी, क्योंकि वो पैडल शिफ्टर भी मिल जाने से जो मरुति देना चाहे। तो ये माइल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी है जो कि माइलेज न होर इनक्रीज करती है। जो आप ब्रेक अप्लाई कर दी MID उत्ते एक इंडीकेट भी आता कि थोड़ी जी माइल्ड हाइब्रिड वाली बैटरी और चार्ज होंगी है, ये माइल्ड हाइब्रिड वाली बैटरी ब्रेक अप्लाई करे तो ही चार्ज होंगी है, जो कि रेड सिग्नल पर जो साड़ी गड्डी खड़ी होंगी है तो उन्होंने बंद हो नहीं दिंदी, तो एन पंच थोड़ा जहा मिल जाता जिन्ना माइलेज भी इनक्रीज होंगी है। माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नाल थोड़ा जहा सानू टॉर्क ज़्यादा मिल जाता जो गड्डी खड़ी होंगी है, जिदा भी थानू पता पेट्रोल इंजन थोड़ा जहा चकना मुश्किल होंगे पहले दूजे गेयर के विच, उस वेले टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करके गड्डी एन पंच थोड़ा जहा दे दिंदी है ताकि गड्डी बंद ना हो। जे ये कार तुसी डेली यूज़ करनी है हाईवे दे विच जां फिर सिटी ट्रैफिक दे विच तुहानू ज़्यादा तंग तां नहीं करूँगी, इहदे विच लीनियर पावर डिलीवरी भी तुहानू मिल जाऊँगी, पावर चाहिए तां भी मिल जाऊँगी, हौली चलाना तां भी, ये वधिया गड्डी है। जे डेली यूज़ ले जे कोई गड्डी नूं कंसीडर करता है तो वह बेस्ट चॉइस है। जे तुसी ब्रीजा दा टॉप मॉडल अवॉइड करके इहदा डेल्टा या इतो जैटा मॉडल भी आ जाए तो वधिया वा। जिदा मैं पहला कहा कि ब्रीजा का टॉप मॉडल अवॉइड करके एदा डेल्टा ते जेटा वेरिएंट आ जाना, उहदे विच तुहानू ज़्यादा स्पेस मिल जानी गड्डी दे विच, ज़्यादा मटीरियल क्वालिटी भी वधिया मिल जानी, तो ओवरऑल गड्डी भी बड़ी मतलब रोड प्रेजेंस भी एदा वधिया वा। ब्रीजा नूं अवॉइड करके कई लोग इत्थे भी जा सकते आ। मरुति सुजुकी ने सिर्फ 2 ही SUV आ इहदे विच ब्रीजा ते एस क्रॉस, ते दोनों ही बहुत वधिया परफॉर्म भी कर।
ते दी टर्निंग रेडियस की गल की जाए तो 5.1 मीटर मतलब थोड़े जे दायरे दे विच गड्डी पूरी घूम के मुड़ सकती है। तो क्रेटा की गल की जाए उस 5.3 जो कि थोड़ा जिहा ज़्यादा ज़्यादा फील तो नहीं होगा थानू टर्निंग रेस के सस्पेंशन की गल की जाए तो बहुत ही वधिया मारुति सुजुकी ने इत्थे काम किया, ना ज़्यादा इन्ने सॉफ्ट ना ज़्यादा स्टिफ है, ठीक ठीक है। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब न सब तो वधिया सस्पेंशन आ, तो रोड के उत्ते थोड़े जे पैचिस हो फील तो होंगे पर इन्ने ज़्यादा नहीं फील होंगे। तो जिदा डस्टर के फील होंगे सी रोड पैचिस एन सीधी निकल जाए डस्टर के फील नहीं होंगे पर थोड़े जे फील होंगे, पर ओवरऑल ये सस्पेंशन सही है इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब के न। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी की गल की जाए तो ये ठीक ठीक है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी ये है 100-120 या 140 की स्पीड के स्टेबल रहती है, सानू कॉन्फिडेंस भी फील होगा कि गड्डी साडे कंट्रोल दे विच आ। पर जो कॉम्पीटिशन की ये गल की जाए तो क्रेटा ये तो बैटर परफॉर्म भी करती है। तो XUV 5W तो ये नहीं आती, तो XUV 3W की गल की जाए यदि राइड एंड हैंडलिंग या स्टेबिलिटी के सब तो वधिया परफॉर्म XUV 3W। तो स्टेयरिंग रिस्पोंस की गल की जाए जिदा मैं पहला दसिया यदा XUV 3W नालों थोड़ा घटा पर ठीक ठीक है, जे किसी ने डेली यूज़ करना तो ठीक है, इनू चला के कॉन्फिडेंस भी फील होंगे कि गड्डी साडे कंट्रोल दे विच आ। तो ये बॉडी रोल की गल की जाए बॉडी रोल ये माड़ा भी नहीं मिलता, जिदा मोड़ा उत्ते ये ESP भी है वा मोड़ उत्ते जिदा स्टेबिलिटी ज़्यादा होर वधिया निखर के आती है। तो NVH की लैवल की गल की जाए तो ये हाई स्पीड के अंदर नॉइस आती पर इन्नी नहीं जिदा मारुति सुजुकी के पेट्रोल इंजन ज़्यादा रिफाइंड होंगे आ, पर ठीक ठीक है। ज़्यादा हाई RPM के नॉइस आती इंजन की, रोड की नॉइस थोड़ी घट आती है, ये टायर वधिया क्वालिटी के यूज़ किए आ पर इंजन की नॉइस अंदर आती, पर जी हार्शनेस होंगी नहीं आती वो सही आ। तो हाई स्पीड के स्टेयरिंग उत्ते ना ही इन्ना ज़्यादा वेट आता तो ना ही कट ठीक ठीक जो कि थानू कॉन्फिडेंस फील करा सकता वा। तो स्टेयरिंग उत्ते माड़ा भी वाइब्रेशन नहीं आती, ना गड्डी जो आइडियल कंडीशन खड़ी हो हाई स्पीड वाइब्रेशन नहीं आती जो कि ठीक आ। तो आखिरी हुण माइलेज की गल की जाए ये ARAE 18 किलोमीटर पर लीटर हिसाब से माइलेज मिलती जी, ये मारुति सुजुकी CVT ट्रांसमिशन का यूज़ करती तो यह माइलेज होर भी वधिया हो जाने से क्योंकि ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ। टोर कन्वर्टर जे थानू ज़्यादा पावर चाहिए तो ज़्यादा रेस का यूज़ करोगे तो यह हाई RPM पर जाके गेयर चेंज करता तो इन माइलेज ड्रॉप होंगी आ। जे टोर कन्वर्टर के 6 गेयर होंगे तो गेयर रेशो वधिया तरह सैट किया जाए तो यह वधिया माइलेज दे सकता सीगा। तो वीडियो करते एंड, तो जो वीडियो तुसी इत्थे तक देखी तो लाइक करके जरूर